क्षेत्र भर में लगातार चोरों का कहर जारी। सैनी थाना के सिराथु चौकी पुलिस प्रशासन मौन। कौशाम्बी जिले के सैनी थाना सिराथु पुलिस चौकी क्षेत्र के पीड़ित दशरथ लाल पुत्र राम नवाज निवासी अल्पी का पूरा रामपुर धामवत थाना सैनी का निवासी है। पीड़ित बेहद गरीब परिवार से किसी तरह मजदूरी कर कुछ जानवरों को पालकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी ने बताया कि दिनांक 12/2/2024 की रात्रि करीब लगभग 2 बजे 5 अज्ञात लोग अपना मुंह बांधकर आए और जहां पर मेरी भैंस बकरियां बांधी थी उसी के पास अपनी गाड़ी खड़ा कर इधर उधर लोग घूमने लगे। थोड़ी देर बाद मैं उठा उन लोगों के पास गया तो अज्ञात लोगों द्वारा मुझसे डिब्बा मांगने का बहाना किया और कहा कि हमारे एक साथी खाना खाने गया है। फिर मैं उन लोगों से कहा कि यहाँ पर डिब्बा नहीं है, कहीं और जाकर देख लो। इतना कहते ही एक व्यक्ति पीछे से मेरा मुँह दाब कर मेरे कनपट्टी पर तमंचा निकाल कर सटा दिया और खेतों की तरफ घसीटने लगे। जब मैं चिल्लाने लगा तो मेरी पत्नी उठी, देखा वो मेरी और बड़ी कुछ लोगों ने उसे भी पकड़ कर मारने पीटने लगे और दो लोग हमारे 2 बकरी और 4 बकरा खोल कर अपनी गाड़ी में लाद कर उठा ले गए। आइए सुनवाते हैं पीड़ित का बयान। दादाजी क्या नाम है आपका? दशरथ लाल। कहाँ के रहने वाले दादा? एमपी के पूर्वा मजरा रामपुर धमावा। क्या घटना हुई आपके साथ? 4 बकरा और 2 बकरी ढील लेके गए, बदमाश लोग आए, 4 रुपये के लेते थे हम, उनको देखा उठ के बैठ गया, उनके पास पहुँचे। जब उनके पास पहुँचे तो उनसे पूछा आप यहाँ क्या करने आए हो, तो उन्होंने कहा अंकल हमको डिब्बा दे दीजिए। हमने कहा यहाँ डिब्बा नहीं, आप चलिए बाहर यहाँ से। तो रोड पर चले गए, फिर रोड पर घूमते रहे, आधा घंटा घूमते रहे, गाड़ी लेके आगे चले गए। तो उनसे हमने फिर पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि अंकल जी हमारा एक दोस्त दावत खाने गया है, वो आ जाए खाना खा के फिर चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। बेसमेंट में पड़ गए, दो आदमी घूम रहे थे, एक आदमी पीछे से आया, हमारी कमर पकड़ लिया, कमर पकड़ने के बाद जो दूसरा आदमी था वो हमारे कनपट्टी में तमन चढ़ा दिया, फिर हमको खींच ले गए बाहर। बाहर खींचने के बाद हमको आवाज़ नहीं करने दिया, मुंह बंद कर लिया, दो आदमी हमको दबाए रहे। फिर इसके बाद हमारी औरत उठी, हमको आवाज़ दे रही थी कि आप कहाँ गए, जब उस पर हम आए नहीं तो कहाँ से बोले। वही आदमी पहुँच गए वहाँ से, बकरा गालू तैयारी से ले जा रहे थे, तो औरत को शंका हुई तो वो रोड पे आ गई। जब रोड पे आ गई तो देखा उन्होंने कि बकरा वो लोग लाद रहे थे, तो इसने मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया और ईंटा रखा था, ईंटा पे वार करने लगी गाड़ी पे, शीशा दोनों टूट गए। टूटने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसका मुंह दबा करके रोड पे पटक दिया। तब तक वो दो आदमी हमको छोड़ करके भागे और गाड़ी में बैठ गए, औरत को हमने अपने हाथ उठाया, गाड़ी में उठा करके ले चले। गाड़ी खुला गाड़ी थी कि बंद गाड़ी? बंद गाड़ी थी। बंद गाड़ी। इसकी अभी तक कोई शिकायत आपने कहीं किया है? चौकी किया है। कौन सी चौकी में? सिराथु चौकी। ये कब की घटना है? 12 तारीख रात। और शिकायत आपने कब किया है? उसी दूसरे दिन रात में घटना हुई, सुबह शिकायत किया है। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई सुनवाई आपकी हुई? कोई सुनवाई नहीं। आपका गाँव कौन सा है? अल्पी का पूर्वा। सैनी? सैनी थाना। सैनी थाना सैनी है। चौकी सिराथु सिराथु है।